मित्राणी, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, ये आज टीजीटी सुगनासो प्रदेश का गद्य खंड 3 आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, सुगनासो प्रदेश टीजीटी के कोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। देखिए मित्रों, इसका अर्थ जब आपको अस्पष्टता क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप ध्यान दें मित्रों कि इसमें जो है मुख्य रूप से आपको पढ़ना क्या है। तो जैसे देखिए मित्रों, भवादृशाः एव भाजनानि भवन्ति। भवादृशाः, भवादृशाः एव भाजनानि भवन्ति उपदेशानाम। कहा कि जो है, हे चंद्रापीठ, चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए अब यहां पर सुगनास जी कह रहे हैं कि भवादृशाः आप जैसे, भवादृशाः आप जैसे एव माने ही, भवन्ति माने होते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं। भवादृशाः एव भवन्ति, आप जैसे ही लोग होते हैं, मतलब आप जैसे बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा के राजकुमार हैं जो उपदेश के योग्य, भाजनानि उपदेशानाम, उपदेश के योग्य हुआ करते हैं। भवादृशाः एव उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति, भवादृशाः आप जैसे ही लोग उपदेश के पात्र हुआ किया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भावत धनदृश, भावत धनदृश में कई प्रत्यय है मित्रों। भावत दृश, कई प्रत्यय जुड़ करके भवादृशाः बना है। और भवन्ति ये आपकी भू धातु की लट लकार की उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है। आप जैसे ही लोग जो है उपदेश के पात्र हुआ करते हैं। अपगत मले स्वच्छ, गत मलह जिसका मल दूर हो गया है, ही माने क्योंकि, मनस माने मन में, अस्फटिक मणि इव, अस्फटिक मणव इव, तो अस्फटिक मणव इव यहाँ कौन संधि हो जाएगी मित्रों, यहाँ पर एच ओ एवा अव हो जाएगा, अस्फटिक मणव इव रजन करगहस्तयोः बिसंति सुखेन उपदेश गुणाः। कहा जो है, ये उपदेश अवगत मले स्वच्छ मल वाले लोगों के मन में अस्फटिक मणव इव, अस्फटिक मणि की बात यहां पर देखिए, इव आया है, उपमा अलंकार है मित्रों, अस्फटिक मणि, क्रिया के बाद जब यही हमारा इव आता है तो वहां पर उपेक्षा अलंकार होता है, और जब संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ जब ये आता है तो आप समझ जाइए मित्रों वहां पर उपमा अलंकार है। तो कहा अस्फटिक मणव इव, अस्फटिक मणि की भांति रजन कर गभस्तयो, सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य की किरणें अस्फटिक मणि में सुखेन बिसंति, बड़े सुखपूर्वक जो है बेंध जाया करती हैं, उनमें प्रविष्ट हो जाया करती हैं। उसी प्रकार से स्वच्छ हुए मन वाले लोगों में उपदेश गुणः, किसका उपदेश गुणः, गुरुओं का उपदेश रूपी गुण सुखेन बिसंति, सुखपूर्वक समाहित हो जाता है, सुखपूर्वक उनमें पहुंच जाया किया करता है। अस्फटिक मणि में जैसे सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से अनायास उसी प्रकार से अपगत, गम धातु में अक्त प्रत्यय है, अप उपसर्ग है मित्रों, गम धातु में अक्त प्रत्यय और क्या है, गम धातु में अक्त प्रत्यय और अप उपसर्ग है। तो कहा जो है मित्रों कि अस्फटिक मणव इव, अस्फटिक मणि की भांति अपगत मले ही माने क्योंकि अपगत मले स्वच्छ मल, स्वच्छ मन में अस्फटिक मणव इव रजन कर गभस्तयो, रजन माने रात्रि, कर माने किरण, गभस्तयो रात्रि के किरणों को जो नष्ट करने वाले अर्थात सूर्य देवता, सूर्य की किरणें सुखेन विसंति, अस्फटिक मणि में सुख की, सुख पूर्वक प्रवेश करती हैं। वैसे ही अनायास बिना प्रयास के मित्रों गुरुओं का जो सुंदर वचन होता है, स्वच्छ मन वाले धुले हुए जिनके समस्त विकार दूर हो गए हैं, ऐसे समस्त विकारों से दूर
पुरुषों में वह उपदेश गुरुओं का सुखपूर्वक प्रविष्ट होता है, सुखपूर्वक प्रवेश करता है। गुरु वचनम अलम अपि सलिलम इव, कहा गुरु वचनम, गुरुओं का वचन अलम अपि माने कल्याणकारी होते हुए भी, गुरु का वचन कल्याणकारी यद्यपि होता है, गुरुओं का वचन कल्याणकारी होता है, लेकिन कहा जो है अभव्यस्य श्रवण स्थितम शूलम, कहा अभव्यस्य अशिष्ट लोगों के, दुष्ट लोगों के कान में यद्यपि गुरुओं का वचन क्या होता है, स्वच्छता को प्रदान करता है, कल्याणकारी होता है, लेकिन अभव्यस्य जनाः, दुष्ट लोगों के श्रवण स्थितम कान में पड़ने पर, दुष्ट लोगों के कान में पड़ने पर यह गुरुओं का कल्याणकारी उपदेश क्या करता है, महत सोलम उपजनयत सलिलम इव, स्वच्छ जल की भांति महान, सोल माने कष्ट को, दुख को, पीड़ा को ही उत्पन्न किया करता है। कहा गुरु वचनम आलमपि, गुरु वचनम आलमपि, गुरुओं का वचन कल्याणकारी होता हुआ भी, सलिलम इव जल की भांति महत उपजनयत महान उत्पन्न करता है, श्रवण स्थितम कान में स्थित होने पर, कान में पड़ने पर। कहा जैसे स्वच्छ जल, कितना भी जल स्वच्छ हो लेकिन जब कान में पड़ता है तो वह पीड़ा को ही उत्पन्न करता है, वैसे ही यद्यपि गुरुओं का वचन क्या होता है, अत्यंत कल्याणकारी होता है। मित्रों, गुरु का वचन अत्यंत कल्याणकारी होता है, लेकिन फिर भी दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वह भी पीड़ादायी होता है, कष्टकारक होता है, महान जो है पीड़ा को जन्म दिया करता है, लेकिन अशिष्ट लोगों के कान में पड़ने पर वही गुरु का वचन पीड़ादायक होता है। लेकिन मित्रों, इतरस्य माने दूसरे लोगों के कान में पड़ने पर, यानी शिष्ट व्यक्तियों के कान में पड़ने पर, अशिष्ट व्यक्तियों के कान में पड़ने पर गुरु का वचन कितना भी कल्याणकारी होता है, लेकिन सलिलम इव महत जुन महत उपजनयत श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य, अशिष्ट लोगों के कान में पड़ने पर वह गुरु का कल्याणकारी वचन भी कष्टदायी होता है, लेकिन दूसरों के अर्थात भव्यस्य, इतरस्य का मतलब भव्यस्य, भव्य लोगों के कान में पड़ने पर तू तो करिण इव हाथी की भांति, करिण इव हाथी की भांति, शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। कहा जैसे हाथी का शंखाभरण जो हुआ करता है मित्रों, तो हाथी के मुख की शोभा रास की, हाथी के शंखाभरण की भांति, जैसे हाथी के मुख की शोभा को शंखाभरण, शंख रूपी आभूषण आदि के द्वारा जो है सुशोभित किया जाता है, ऐसे ही आनन शोभा समुदयम, आनन मुख की शोभा राशि को अधिकतरम और अधिक उपजनयत सुशोभित करता है। जैसे जो है गुरुओं का कल्याणकारी वचन इतरस्य भव्यस्य तु, भव्य लोगों के कान में पड़ने पर, श्रेष्ठ लोगों के कान में पड़ने पर, शिष्ट लोगों के कान में पड़ने पर मित्रों क्या किया करता है, करिण इव हाथी की भांति, हाथी के समान। अब यहां करिण के बाद देखिए इव आया है, करिण क्रियापद नहीं है, करिण माने हाथी, यह संज्ञावाची है, तो यहां पर भी उपमा अलंकार है मित्रों। कहा हाथी के शंखाभरण की भांति उसके मुख की शोभा राशि को और अधिक सुशोभित करता है, और अधिक सुंदर बनाता है। यानी अगर शिष्ट व्यक्तियों के कान में वह गुरु का उपदेश पड़ता है तो वह अपने विद्या का सदुपयोग करते हुए कल्याण के मार्ग में उसको लगाता है, कल्याण के लिए उसका प्रयोग करता है। जैसे मित्रों कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडनाय कालस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जैसे कि कहा गया है
खलस्य, खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति के, दुष्ट का मतलब है अभव्यस्य, और साधुजनानाम माने भव्यस्य। तो कहा खलस्य विद्या विवादाय, दुष्ट के पास अगर विद्या हो जाती है तो उसकी विद्या विवाद के लिए होती है। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय, और अगर दुष्ट व्यक्ति के पास धन हो गया मित्रों तो वह अपने धन का प्रयोग किसके लिए करता है, दूसरों को मदाय, मद में, घमंड में वह अपने धन का प्रयोग दूसरों के लिए, स्वयं अपना घमंड दिखाने में प्रयोग करता है। मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, और मित्रों अगर दुष्ट व्यक्ति के पास शक्ति हो गई तो दूसरों को पीड़ा देने में अपने शक्ति का प्रयोग करता है। खलस्य साधु विपरीत में तद, साधु एतद विपरीत, जैसे यहां पर जो है अभव्यस्य और भव्यस्य, भव्य लोगों के कान में पड़ने पर वही जो है हाथी के शंखाभरण की भात, शंखाभरण की भात उसके मुख को शोभित करता है, वैसे ही दुष्ट की विद्या जो होती है विवाद के लिए, दुष्ट का जो बल होता है दूसरों को सताने के लिए। लेकिन साधु, साधु सज्जन लोग क्या करते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, सज्जनों का धन दान के लिए होता है, और सज्जनों का बल रक्षणाय दूसरों की रक्षा के लिए होता है। तो मित्रों यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से बताया गया है, आप समझें कि अभव्यस्य दुष्ट व्यक्तियों के श्रवण स्थितम कान में पढ़ने पर क्या गुरु वचनम, आलमपि कल्याणकारी होता हुआ भी गुरु का वचन पढ़ने पर, सलिलम एव पानी की भात, स्वच्छ पानी की भात, महत सूलम उपजनयत, महत उपजनयत, महत उपजनयत में देखिए महत धन उपजनयत हो जाएगा। तो दम मित्रों यहाँ पर जो है अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, यहाँ महत उपजनयत हो जाएगा। तो अब महान कष्ट को उत्पन्न करता है, लेकिन दूसरे अर्थात शिष्ट लोगों के कान में पड़ने पर जो है करिणह इव हाथी के शंखाभरण की भात उसके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। और क्या है मित्रों अगला देखिए पंक्ति, हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, कहा हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारम इव, अतिमलिनम कहा अत्यधिक मलिन, अत्यधिक मलिन गंदा जो तुच्छ विचार हैं उन तुच्छ विचारों को कैसे दूर कर दिया करता है, कहा जैसे अंधकारम एव जैसे अंधकार को, दोष जातम दोष से युक्त अंधकार जो है, प्रदोष समय निशाकर प्रदोषकालीन चंद्रमा जो होता है, प्रदोषकालीन चंद्रमा की तरह अत्यंत कृष्ण अंधकार के समान समस्त दोष समूहों को यह दूर कर देता है। कौन, यह गुरु का वचन। मित्रों आतिमलिनम अपि अंधकारम इव, आतिमलिनम अपि अंधकारम इव, कहा जो है अत्यधिक मलिन अंधकार की भांति, जो अत्यधिक मलिन कर्मों से युक्त जो है हमारे शरीर में विद्यमान जो अज्ञानता का अंधकार होता है, इस अज्ञानता के अंधकार को गुरुओं के सुंदर कल्याणकारी वचन के द्वारा किस प्रकार से दूर कर दिया जाता है, कहा प्रदोष समय निशाकर, प्रदोष कालीन जो चंद्रमा होता है, प्रदोष समय निशाकर माने चंद्रमा, प्रदोष के समय, प्रदोष समस्त प्रकृष्ट दोष, समस्त दोषों को जो कहाँ से उत्पन्न हुए थे, अंधकार के समान उत्पन्न जो दोष होता है, प्रदोष कालीन चंद्रमा की भांति, जैसे प्रदोष त्रयोदशी तिथि की चंद्रमा जैसे उस गहरे अंधकार को जैसे दूर कर दिया करता है, वैसे ही यह गुरुओं का सुंदर वचन रूपी उपदेश हरत च सकलम अतिमलिनम, कहा दोषम, कहा उत्पन्न हुए जातम दोषम, उत्पन्न हुए दोष को अतिमलिनम, अतिमलिनम माने अत्यधिक मलिन, अत्यधिक कुत्सित निंदित दोष को भी यह गुरुओं का वचन उसी प्रकार से दोष को दूर कर देता है जिस प्रकार से अन्य रात्रियों में प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, अन्य ऋतुओं में जो प्राप्त अंधकार रहता है प्रदोषकालीन चंद्रमा उसको जो है नष्ट कर दिया करता है, दूर कर दिया करता है।
गुरु उपदेशः प्रसम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण। गुरु उपदेशः कहा यह गुरुओं का उपदेश जो होता है, गुरु उपदेशः अति प्रसम हेतुर्वयः, वयः प्रसम हेतु कहा अवस्था के गिरने का जो कारण है, परिणाम इव कहा वृद्धावस्था की भांति, पलित रूपेण इव पलित रूपेण जैसे वृद्ध गुरुओं का उपदेश जो है प्रसम हेतुर्वयः जो अवस्था को गलित कर देता है, जर्जर कर देता है या वृद्धावस्था को प्राप्त करा देता है, ऐसी अवस्था के परिणाम एवं परिणाम को प्राप्त होने पर भी, यह गुरुओं का उपदेश वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर भी पालित रूपेण सिरसिज जालम अमली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणमयत। कहा सरसिज सिरसिज, सिर में सिरसिज माने बाल, जाल माने समूह, बालों के समूह के अमली कुर्वन पक जाने पर भी गुण रूपेण, बालों के पक जाने पर जैसे गुण उत्पन्न होता है, जैसे आप सरल भाषा में इसको पहले समझ ले मित्रों, जैसे गांव ग्राम में जो वृद्ध हो जाते हैं जिनके बाल पक जाते हैं कहते हैं अरे फलाने बड़े अनुभवी हैं, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। अगर कोई गलत बात भी वृद्धों के द्वारा कह दी जाती है तो उसको लोग कहते हैं कि नहीं ये बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो वही बात है यहाँ, कहा कि जैसे वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर बालों के पक जाने पर जो गुण प्राप्त होता है तद एव उसी रूप में यह गुरु उपदेशः परिणमयत। गुरुओं का उपदेश अगर शिष्य व्यक्ति के कान में पड़ गया तो वह उनको पलित कर देता है, उसी रूप में बदल देता है, अर्थात वृद्धता के न प्राप्त होने पर भी उसके अंतर्गत बुद्धिमानों जैसा गुण आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके लिए वृद्धावस्था का होना आवश्यक नहीं है, अगर गुरुओं का सुंदर वचन उसके कान में पड़ गया तो वह गुरुओं के सुंदर उपदेश के द्वारा क्या हो जाया करता है, अवगत मल समस्त मल दूर हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जैसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता होती है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु भी जो है किसी ब्रह्म से किसी ईश्वर से किसी देवता से कम नहीं है। इसलिए मित्रों कहा गया कि गुरुओं का जो सुंदर वचन होता है जब शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ता है तो वह कैसा हो जाता है, जैसे हाथियों का संघावरण हुआ करता है वैसे ही उसके मुख की शोभा को बढ़ा देता है, और जो है उसके अंतर्गत जो गंदगियां रहती हैं जो दोष रहते हैं वह उसी प्रकार से दूर हो जाते हैं, जैसे कि प्रदोषकालीन चंद्रमा अन्य रात्रियों के विद्यमान अंधकार को जैसे दूर कर दिया करता है। और यह गुरुओं का उपदेश उन नवयुवकों में जो गुरुओं का उपदेश जो है अपने स्वच्छ कान के द्वारा स्वच्छ हृदय में धारण करते हैं उनके अंतर्गत वह उपदेश उसी प्रकार से फलदायी होता है जैसे वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर गुण जैसे उनके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो कहा जो है कि जिस प्रकार से शांतिजनक गुरुओं का उपदेश केश समूह को पकने के रूप में निर्मल करती हुई वृद्धावस्था की भांति उसी दोष समूह को गुण रूप में परिणित कर देता है, यह उपदेश गुरुओं का दोष से विहीन वृद्धावस्था रूपी गुण में परिवर्तित कर देता है। गुरु उपदेशः गुरुओं का उपदेश
सरसिज जालमली कुर्वन। वृद्धता में प्राप्त बालों के सफेद हो जाने पर गुण रूपेण जो गुण प्राप्त होते हैं तदैव उसी रूप में परिणमयति, परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। मित्रों इसमें एक बार इसको पुनः याद देखिए, भवादृशा एवं भवन्ति भाजनानि, आप जैसे ही लोग इस प्रकार से उपदेश के पात्र होते हैं, उपदेशा ना उपदेश के पात्र होते हैं, अवगत मले ही मनसि घी माने, क्योंकि अवगत मले स्वच्छ मन में अस्फटिक मणौ इव अस्फटिक मणि की भांति रदन करग हस्तयो विसंध सुखेन उपदेश गुणाः। गुरुओं का उपदेश स्वच्छ मन में जैसे सूर्य की किरणें अस्फटिक मणि में अनायास ही प्रविष्ट हो जाती है बिना किसी प्रयास के, वैसे ही गुरुओं का उपदेश उन स्वच्छ मन वाले लोगों के हृदय में सुखपूर्वक प्रविष्ट होता है। गुरु का यह सुंदर वचन आभव्यस्य अशिष्ट लोगों के कान में पड़ने पर यह स्वच्छ जल की भांति जो है महान कष्ट को ही उत्पन्न करता है, किंतु शिष्ट लोगों के कान में पड़ने पर यह जैसे हाथी के शोभा को, हाथी के मुख की शोभा को जैसे उसके संग के आभूषण सुंदर बना देते हैं, उसी प्रकार से जो है यह भी गुरुओं का उपदेश उसके मुख की शोभा को बढ़ा देता है। और यह अगर शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की गंदगी है तो अति मलनम अप अंधकारम एव, अत्यधिक मलिन अंधकार की भांति यह संपूर्ण दोष को उसी प्रकार से दूर कर देता है जैसे अंधकार को प्रदोषकालीन चंद्रमा दूर कर देता है। और मित्रों गुरुओं का उपदेश वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर जैसे पलित रूपेण सरसिज जालम इव, कहा बाल पकने पर जो वृद्धता के रूप में गुण हमारे शरीर में आते हैं उसी के रूप में यह गुरुओं का उपदेश उसको परिणित कर दिया करता है, अर्थात वृद्धता के न प्राप्त होते हुए भी वह वृद्धों जैसा आचरण करने लगता है, अर्थात उसके अंतर्गत ज्ञान समाहित हो जाता है, शिष्टता का व्यवहार करने लगता है, नैतिकता का आचरण करने लगता है। ये हो गया मित्रों आपका तीसरा गद्यखंड। अब इसके बाद मित्रों देखिए इसमें टिप्पणियां जो विशेष रूप से आती हैं, मित्रों आपको ध्यान देना है कि विशेष रूप से टिप्पणी, अब जैसे भवादृशा है, भवादृशा भवत दृश्य और कई प्रत्यय है इसमें, इसमें त्यादिशु दृशो नालोचने कई च इस सूत्र के द्वारा, और जैसे मित्रों अवगत मले हैं इसमें गम धात अक प्रत्यय है, हाँ करोत इति इसमें करह करह क्री करना और अच प्रत्यय है, रजन करह रजन्याह करह रजन करह षष्ठी तत्पुरुष समास है मित्रों। यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये गद्यखंड हुआ। अगला गद्यखंड है मित्रों हमारा, तो मित्रों आज हम जो है इसी गद्यखंड पर अपने वाणी को विराम देता हूं, और निश्चित रूप से आप इसको अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सबको बता दीजिए कि चंद्रा संस्थान में विशेष रूप से TGT और PGT की क्लास शुरू हो गई है। मित्रों आपके बेहतर भविष्य के लिए चंद्रा संस्थान हमेशा तल्लीन रहता है, हमेशा अग्रसीन रहता है, इसलिए मित्रों आप ध्यान दें। अभी तक तो हम लोगों ने टेट सुपर टेट में अपना जो है झंडा फहराया, आप लोग देखे होंगे, विश्वास के साथ कहता हूं मित्रों आप ऑनलाइन क्लास में TGC से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाऊंगा, रात दिन एक कर दूंगा मित्रों, और आपके लिए तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद।